नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िलहाल में जो हमारे NHM स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई थी, उसके नोटिफिकेशंस बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोटिफिकेशन क्या आया है। तो नोटिफिकेशन है हमारा जो कि क्वारियर करेक्शन का आया है। अगर आप कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाना भूल गए हैं या फिर जैसे कि EWS हो गया, अपडेटेड नहीं हुआ होगा, तो टाइम से आ गया होगा, तो हम उसे करेक्ट कर सकते, देख सकते हैं। हम ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स एप्लीकेशन स्टेटस इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे हम किस तरह से हम करेक्शन करेंगे, हम इसकी जानकारी देने वाले हैं कि हम लोग करेक्शन किस तरह से करेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स एप्लीकेशन स्टेटस इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट जो भी जो हमारी लिंक है, इस लिंक से ओपन होगा, तो देखते हैं कि ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पे जो विथ एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो हम इसमें एप्लीकेशन आईडी जो भी हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, तो उसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, आवेदन क्रमांक नंबर जो होता है उसको हम क्लिक करेंगे, उसको हम फिल करेंगे। देन उसके बाद जो इसमें इसके नीचे लिखा है DOB, इसका मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी उसमें डालेंगे, जो कि डेट ऑफ बर्थ हमारे जो भी फॉर्म में डाली हुई है, क्योंकि जो लॉगिन आईडी का जो पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ ही आता है। तो हम इसके बाद लॉगिन आईडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद जैसे ही जो भी ओपन होगा, फिर हम लॉगिन में क्लिक करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। देख सकते हैं हम जो कि हम जो लॉगिन का ऑप्शन है, इसमें हम एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, जो भी हमारी एप्लीकेशन आईडी होगी। देन उसके बाद जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी वो हम डालेंगे, और जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है देन उसको बस सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद एलिजिबल और नॉट एलिजिबल जो भी होता है हमें पता चल जाता है, और पूरा ऑप्शन जो हमारा फॉर्म है वो खुल जाता है। अगर नॉट एलिजिबल है तो घबराने की बात नहीं है, 1 जुलाई तक जो भी क्वारी का करेक्शन का इसलिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसके इसी बीच में, इस डेट के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। अगर नॉट एलिजिबल है तो वो जैसे आप करेक्शन करते हैं, जो भी आपकी क्वारी होगी तो वो आप करेक्ट हो जाएगी, तो इसके बाद आपका जो भी फॉर्म होगा वो एलिजिबल आने लगेगा। तो इस तरह से हम अपना फॉर्म करेक्ट करेंगे, जो भी इसमें जो भी क्वारी होगी करेक्ट करेंगे। और हम देख सकते हैं इसमें, देखिए जो भी जो हमारे क्वारी और ऑब्जर्वेशन का जो भी लास्ट डेट है स्टाफ नर्स का, वो 1 जुलाई है, तो हमें 1 जुलाई के पहले ही इसे सबमिट कर, और इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर बताऊँगा। धन्यवाद।